बोलो दो और दो चार। दो और दो चार। मास्टर जी आप जुड़ो रे। क्यों बेटा? कल तो आपने कहा था तीन और एक चार होता है। गलती हो गई बेटा। अच्छा ठीक है, तुम लोग पढ़ो दो और दो पाँच। दो और दो पाँच। बचा लीजिए नौरंगाचार्य, नौरंगाचार्य बचा लीजिए। अरे रुकिए रुकिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। अरे आपके सिवा इस देश को गिरने से और कोई नहीं बचा सकता। जब हम अपनी आर्थिक नीति बताए थे आपको, तब समझ में नहीं आया। हमें कहा गया हम पागल हैं। हम पागल हैं? इसमें क्या शक है, आपकी सारी योजनाएं बेसिर पैर की होती है। इन्हीं की वजह से हमारा देश इस नतीजे पर पहुंचा है। चम्मच तक दिखवा दिए। आपको पता है बिना चमचों के कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में ताला पड़ गया बिना चमचों के। ये उद्धार करेंगे हमारे देश का। तो आप कुछ कीजिए ना। कुछ कीजिए, हाँ कुछ कीजिए। ठीक है, हमें 24 घंटे का समय दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। बोलो दो और दो। प्याज कितने रुपए किलो? 60। 60। एक आदमी कितना प्याज खाता है? क्या है? पता नहीं। कुछ नहीं हो सकता भाई। कुछ तो कीजिए। अरे आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। कुछ नहीं हो सकता। अरे हटिया उधर। हे भगवान, हमें बेरोजगार होने से बचा लो। हे भगवान, हमें बेरोजगार होने से बचा लो। बचा लो। मिल गया भाई। अरे मिल गया समाधान। मिल गया। सुनिए, आज से हर घर में 5-स्टार होटल में हर जगह मिट्टी के बर्तन काम में लाए जाए। घर घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग लगाया जाए। मिट्टी तालाब से ही लाई जाए। तालाबों में मछलियों को डलवा दिया जाए। सांप और मेंढक भी पाले जाएं। मछलियां देश की भुखमरी मिटाएंगी। सांप और मेंढक चीन कोरिया जैसे देशों को निर्यात कर दिए जाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। गाय और भैंसों के फार्म खुलवाए जाएं। एक भैंस की देखभाल करने के लिए एक ही आदमी क्यों? एक आदमी एक भैंस को नहलाएगा, दूसरा उसे सुखाएगा, तीसरा उसे सहलाएगा और चौथा उससे दूध निकालेगा, पांचवा दूध को बेचेगा और छठा दूध को खरीदेगा। एक जानवर के ऊपर एक डॉक्टर लगवाया जाए। इससे एक भैंस हमारे देश के 7 लोगों का पेट भर सकती है। यह स्कीम हमारी बेरोजगारी दूर कर देगी और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। हाँ, ये लीजिए। नौरंगाचार्य जिंदाबाद। नौरंगाचार्य जिंदाबाद।